पॉलिटिकल न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज, क्राइम न्यूज या न्यूज हो आपके राज्य, आपके शहर की, आपके आसपास हो रहा है भ्रष्टाचार, हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आप तक हर सच, हर वो खबर जो है जनता से जुड़ी। नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज। बीते इस वक्त की बड़ी खबर, भारत नेपाल सीमा के भिगना ठोरी में तेंदुए की खाल के साथ दो तस्कर गिरफ्तार। भिगना ठोरी एसएसबी और वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। मंगलवार को शाम 7:30 बजे 84वीं सशस्त्र सीमा बल के 22 सीमा चौकी भिगना ठोरी जी समय ने अपने कार्य क्षेत्र में पूर्व आसूचना के आधार पर सीमा स्तंभ संख्या 435 के समीप लगभग 200 मीटर भारत के अंदर एसएसबी और वन विभाग दोनों ने संयुक्त स्पेशल नाका लगाया था। नाका के दौरान एसएसबी के उप निरीक्षक रमेश चंद्र थावल ने अपनी टीम के साथ नेपाल से भारत की तरफ आ रहे दो मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति को रोका तो वह भागने की कोशिश करने लगे। टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर उसे धर दबोचा। पकड़े गए व्यक्ति और मोटरसाइकिल की तलाशी लेने पर उनके पास से तेंदुए की खाल बरामद हुई, जिस पर वन संरक्षण अधिनियम के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए समय प्रभारी को सूचना दी। समय प्रभारी श्री वीएस जटेजा द्वारा बताया गया कि पूर्व सूचना के आधार पर यह नाका लगाया गया था, जिसमें पकड़े गए अभियुक्त की पहचान नवल किशोर साहनी उम्र 20 वर्ष पुत्र विष्णु देव साहनी ग्राम मचगांव पोस्ट कालिया सदर पुलिस स्टेशन असम टोल जिला 12 नेपाल द्वारा एवं दूसरा अभियुक्त शेरिंग दोरचा लामा उम्र 40 वर्ष पुत्र छोटे तमांग ग्राम जैतापुर पोस्ट कालिया थाना जैतापुर जिला जैतापुर नेपाल के रूप में हुई है। अभियुक्त तेंदुए की खाल को नेपाल से भारत तस्करी करने के लिए ला रहा था। इस खाल को बेचकर वह मोटी रकम कमाने की फिराक में था। पकड़े गए अभियुक्त को अवैध खाल सहित नजदीकी फॉरेस्ट ऑफिस वन परिसर पदकारी ठोरी को न्यायिक हिरासत के लिए सुपुर्द कर दिया गया। स्थानीय जनता का कहना है कि एसएसबी द्वारा लगातार अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सीमा पर किए जा रहे विशेष गश्त से सीमा पर अवैध कार्य के आवागमन पर अंकुश लगा है एवं तस्करी में लिप्त लोगों में खलबली मची हुई है। इस कार्य से सीमा पर तस्करी में भी गिरावट देखा जा रहा है।